डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इंटीग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस इंटीग्रेशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होगा? साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स और साइन में एम एक्स साइन, नहीं एक साइन एक कॉस, दोनों साइन और दोनों कॉस, है ना? इस तरह का क्वेश्चन होगा। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखा देता हूँ कि अगर आप इस प्रॉब्लम को देख के समझ जाएंगे किस तरह की इंटीग्रेशन है। यहाँ देखिए, हमने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की, एक पर्टिकुलर बुक के पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को लिया है। वहाँ पर सिक्स क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। सी साइन कॉस, हियर वी हैव बोथ द कॉस, दोनों कॉस हैं। सी तीनों साइन हैं, दोनों कॉस हैं, साइन कॉस है, साइन है, कॉस है, साइन है, यानी साइन और कॉस के डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आप इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए। टू साइन ए कॉस बी जो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। टू साइन ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के इक्वल होता है। और टू साइन ए साइन बी जो है, यानी अगर दोनों कॉस है तो ये कॉस कॉस होगा, दोनों साइन है तो कॉस माइनस कॉस होगा, और साइन कॉस है तो साइन प्लस साइन होगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये साइन एम एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एम कॉस एम एक्स होगा, और कॉस एन एक्स डी एक्स जो है, यानी कॉस का इंटीग्रेशन वन अपॉन एम कॉस एन एक्स होगा। करना क्या है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए? सपोज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो बस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन फॉर्मूले को, वी टेक द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूला। और जैसे हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है और ये सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये सम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट अस टेक वन एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, तो क्वेश्चन नंबर वन फॉर्मूले में टू चाहिए, तो हमने क्या किया, टू से डिवाइड कर दिया है एंड लेट अस मल्टीप्लाई बाय टू। सो नाउ इट इज टू साइन फोर एक्स कॉस सेवन एक्स डी एक्स, ओके। अब ये टू साइन ए कॉस बी है, और साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। सो लेट्स अप्लाई फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, सो ए हमारा फोर एक्स है, सो फोर एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, सो प्लस साइन ए माइनस बी, एंड हियर ये है डी एक्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आइए फिर दोबारा लिखते इसको सिंपल करके। सो नाउ वी हैव साइन 11x dx, एक क्वेश्चन हो गया हमारा, और प्लस 1 बाई टू इंटीग्रेशन, ये साइन माइनस 3x है तो क्या होगा, माइनस का साइन 3x dx। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास, सो इन फॉर्मूलों को अप्लाई कीजिए एंड गेट द आंसर। सो लेट्स राइट द आंसर, सो द आंसर विल बी, सो इट इज 1 बाई टू, साइन कंडीशन क्या होगा, इट विल बी माइनस कॉस 11x बाय 11, एंड सिमिलरली 1 बाई टू इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेट करने जाएंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। लेट अस लीव द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सो इट विल बी कॉस 3x बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो सी हाउ सिंपल, कितना सिंपल है, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर टू, वे वी वॉन्ट टू इंटीग्रेट कॉस 3x कॉस 4x dx। सो अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई के लिए, सो दैट नाउ बोथ आर कॉस ना, सो 2 कॉस ए कॉस बी, और आप जानते हैं कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सो इट इज कॉस ए प्लस बी, यानी दोनों का सम। थोड़ा सा डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जल्दी यूज कर रहे हैं, तरह से कह सकते हैं, प्लस कॉस ए माइनस बी, सो 3 माइनस 4 माइनस का कॉस एक्स, ओके। सो इंटीग्रेशन, लेकिन आप लोगों को पता है कि कॉस में कॉस माइनस थीटा प्लस का ही कॉस थीटा होता है, सो इट विल बी कॉस सेवन एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करें, सो वन बाई टू कॉस सेवन एक्स का, वन बाई टू दोनों के साथ है, लेट मी टेक इट आउटसाइड। सो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन होगा। सी डियर स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखते हैं, छोटी सी गलती कर दी है, ये वन अपॉन साइन एन एक्स होगा, राइट, है ना, कॉस नहीं होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है। सो हेयर हम कॉस सेवन एक्स को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कॉस सेवन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी
साइन 7x बाय 7 प्लस 1 बाई 2 तो बाहर है, कॉस का अगेन इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो डिवीजन में कोई नंबर नहीं आएगा, ये रही है। सो सी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, ऐसे ही अगर आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें इन प्लेस ऑफ 2 सपोज 3 इज देयर, यानी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो ये भी दोनों, ये दोनों एक साइन कॉस का है इन इस क्वेश्चन जैसा है, दोनों कॉस के इस क्वेश्चन जैसा है। सो लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड आउट ऑफ दीज टू क्वेश्चन आई हैव टेकन वन ऑफ देम, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सी किस क्वेश्चन को लें, 5 को लें या 6 को लें, 5 में क्या है तीनों साइन है और 6 में क्या है एक कॉस भी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द 6 वन। सो क्या टर्म आया हमारे पास, नाउ वी हैव साइन एक्स देन कॉस 2x देन साइन 3x, ओके साइन 3x dx। क्या करना है, क्या करना है कि सपोज इफ यू हैव 3 ना, अगर आपके पास 3 है, 3 3 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए और एक टर्म को अलग कर लीजिए। जैसे क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को कंबाइन करते हैं। सो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, यानी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सो ये 1/2, ओके नाउ 2 साइन एस कॉस 2x ना, यानी साइन कॉस है, तो साइन कॉस क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो साइन ए प्लस बी एक्स प्लस 2x, सो इट इज 3x, क्योंकि इसमें कॉस का बड़ा है सो ये माइनस का आ जाएगा साइन 2x माइनस एक्स साइन एक्स, ओके साइन 3x dx। अब क्या करते हैं इसको, ये 1/2 तो कॉन्स्टेंट है हमारा, अभी साइन 3x को मल्टीप्लाई करते हैं। सो नाउ वी हैव साइन 3x इंटू साइन 3x इंटू साइन 3x dx, ओके dx ये रहा माइनस का, नाउ वी हैव साइन x एंड साइन 3x dx। सी एक बार क्या करते हैं, फिर एक 2 से डिवाइड करते हैं राइट, और ये 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया है, फिर फॉर्मूला बनाने के लिए। सो नाउ 1/4, सी नाउ बोथ आर साइन ना, दोनों साइन होंगे तो क्या बन जाएगा ये, सो नाउ वी हैव, दोनों साइन होते हैं तो कॉस होता है ना, कॉस ए माइनस बी, सो 3 3 1 कॉस 0 1 माइनस का कॉस 6x, ओके इंटीग्रेशन का साइन पुट कर दें, सो हियर यू हैव इंटीग्रेशन dx माइनस, यहाँ भी आइए, फिर दोनों साइन है तो कॉस हो जाएगा, सो फर्स्ट कॉस 3x माइनस एक्स माइनस वाले में आ जाएगा, 3 में से 1 गया सो कॉस 2x एंड देन माइनस, जब सम करेंगे तो 3 1 4x, हियर वी हैव dx। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन सिंपली x है ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा cos 6 का, cos का इंटीग्रेशन sin होता है माइनस, सो वी हैव साइन 6x बाय 6, ओके हियर वी हैव माइनस साइन, फिर cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर cos है तो cos का इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4, ओके ना, और ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इफ सीन ना कितना इजी है, यानी क्या करना है, इवन इफ इन प्लेस ऑफ 2 सपोज यू हैव द 3 टर्म्स, तो क्या करना है, पहले 2 को एक ब्रैकेट में रख सकते हैं। एक चीज बता दें, अगर आप ये चाहते हैं ना कि नहीं दोनों इन साइनों को पहले एक ब्रैकेट में रखते हैं कॉस को अलग रखते हैं, हम उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कोई नहीं शॉर्टकट फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, अगर आपको इसको फॉर्मूले की फॉर्म में देखना है, वापस आते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, सी अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो सी क्या करना है, ये 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 1/2, ओके ये ब्रैकेट क्लोज, नो साइन कॉस है, ये रहा साइन कॉस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन प्लस करने पे ये m प्लस एन एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस करने से साइन m माइनस एन एक्स आ जाएगा, ठीक है, चलो ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। नाउ लेट अस इंटीग्रेट, 1/2 इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, सी साइन कंडीशन माइनस का, सो कॉस एम प्लस एन, एम प्लस एन एक्स, लेट अस क्लोज द ब्रैकेट एंड द होल डिवीजन बाय एम ना, सो यू हैव एम प्लस एन,
ये भी माइनस का होगा, सी माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस एम माइनस एन एक्स, और डिवीजन में क्या होगा एम माइनस एन सी, और ये रहा एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके सो हैव यू सीन इट, अगर मैं इसको फॉर्मूले की शक्ल देता हूं तो माइनस कॉमन हो जाएगा, टू दोनों के साथ है वो भी बाहर आएगा, सो नाउ वी हैव कॉस एम प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस एन एन प्लस कॉस एम माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ओके सो ये कॉस और एक साइन का था ना, जिसमें दोनों आंसर कॉस क्या है। सो सी अगर ये क्या करते हैं, हम पहला क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करते हैं, इस बार डैट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या था, साइन 4x कॉस 7x dx, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है, m है हमारा, सो सी इस फॉर्मूले में m 4 है और m 7 है ना, चलो अप्लाई करके आंसर लिखते हैं। आंसर विल बी माइनस 1 बाई 2 इज ब्रैकेट कॉस दोनों का सम 11x डिवाइडेड बाय 11 प्लस अगेन कॉस 4 माइनस 3, 4 माइनस 7 3, तो 3x बाय 3 बाय 3 एंड हियर वी हैव क्लोज द ब्रैकेट, सी क्लोज द ब्रैकेट। तो नाउ वी गेटिंग दिस आंसर ना, क्या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आपको, जब ये दोनों प्लस के थे तो दोनों आंसर माइनस में आएगा, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना, ये दोनों आंसर माइनस में आएगा, नहीं हमने कहीं कोई माइनस छोड़ दिया है लगता है, राइट ना, हमने कहीं कोई माइनस साइन छोड़ा है क्या। एक बार दोबारा फॉर्मूले को चेक करें, क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन फोर एम एक्स कॉस एन एक्स, सो साइन एम प्लस एन एक्स ठीक है, प्लस साइन एम माइनस एन एक्स यहाँ, ठीक है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस माइनस का कॉस, ये भी ठीक है, एम माइनस एन एम माइनस एन, सो माइनस को मैंने कॉमन कर लिया, वी गेट दिस ना सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ये m और n बड़ा है या छोटा है, इससे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, सी यहाँ पर अगर m इज ग्रेटर देन n है, यहाँ एक चीज समझ लेना है, अगर m n से बड़ा होगा, सी हियर इफ m इज ग्रेटर देन n इन दैट केस ये पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन रहेगा, ये प्लस साइन रहेगा तो ये आपका आंसर ठीक है। लेकिन सपोज इफ m इज लेस देन n, m n से छोटा है तो क्या होगा, यहां पर ये नेगेटिव है एक्चुअली, है ना, ये नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो एक माइनस साइन कॉमन आएगा, ठीक, तो उस केस में प्लस हो जाएगा। यानी ये हमने जो फॉर्मूला बनाया है, सी दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला m ग्रेटर देन n के लिए एप्लीकेबल है, और फिर लेकिन जब m लेस देन होगा तो ये साइन एक बदलने वाला है, राइट ना, ये साइन बदलने वाला है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 1 बाई 2, इट विल बी 1 बाई 2 कॉस एम प्लस एन एक्स डिवाइड बाय एम प्लस 1, सो क्योंकि माइनस ने बाहर लिया हुआ है ये माइनस ही रहेगा, एंड इट विल बी कॉस एम माइनस एन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन एक्स बाय एम माइनस एन प्लस सी। ये मेरी बात आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप एक छोटी सी चीज समझे कि हमें ये ऐसा क्यों करना पड़ा है। होता क्या है कि जिसमें m माइनस एन, m अगर बड़ा होगा तो ये साइन प्लस को साइन थीटा होता है तो ठीक है ये, लेकिन अगर ये m छोटा हो जाए तो एक्चुअली साइन के अंदर एक माइनस आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और एक माइनस पहले ही कॉमन आएगा और एक माइनस इंटीग्रेशन से आएगा, तो एक्चुअली ये प्लस बन जाएगा, राइट, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस आएगा। यानी हमें अपने आंसर में थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, क्या मॉडिफाई करना होगा, हमें ये प्लस नहीं, हमें ये माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि एम जो हो एन से छोटा है। सो क्या ये शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आया है, ओके नो प्रॉब्लम, अगर आपको शॉर्टकट मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें करना क्या है कि सपोज हम शॉर्टकट फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले बनाने होंगे, इसके लिए फॉर्मूला बनाना होगा, इसके लिए फॉर्मूला बनाना होगा, और हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि एम एन सपोज ये है ना क्वेश्चन, सो इन तीनों के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूले बनाने होंगे, और इन तीनों फॉर्मूले में एक ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एम बड़ा है या एन छोटा है। लेकिन अगर हम चाहें तो हमने जैसे यहाँ टू फॉर्मूले को डेवलप किया है, एम ग्रेटर देन एन और एम लेस देन एन के लिए, सिमिलरली हम
बाकी दोनों के लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। बेटर है कि आप ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के तीन फॉर्मूले याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन का दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन वी हैव टेकन थ्री ना, अगर आप ध्यान दें तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, तो हमने उसी को फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूले के फॉर्म में फॉर्मूला के फॉर्म देने की कोशिश की है और दो आंसर लिखने के लिए कोशिश किया है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे बताना ना भूलें, और इस तरह के और इंटीग्रेशन के लिए आप मेरे डिफरेंट वीडियोस में जा सकते हैं जहां पर आपको इस तरह के बहुत सारे इंटीग्रेशन की शॉर्टकट टेक्निक्स और इवन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिलेंगे। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।